अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद उबैदुर रहमान। आज हम देखेंगे आईएनसी इंस्ट्रक्शन, डीईसी इंस्ट्रक्शन, एनईजी इंस्ट्रक्शन, ऐड इंस्ट्रक्शन एंड सब इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं आईएनसी इंस्ट्रक्शन। आईएनसी आपके पास यूज होती है इंक्रीमेंट के लिए। आईएनसी स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट और ये आपके पास बाइट या वर्ड को ऑटो इंक्रीमेंट करती है बाय वन। इसका सिंटेक्स के आपके पास आईएनसी और आपके पास यहाँ पे रजिस्टर या वेरिएबल का नाम आता है। INC आपके पास जो है ये वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। मैं देखा था आपके पास टेम्पलेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 886 में, तो हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट से ये आपके उसमें से वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन जो है टेम्पलेट है इसका। इट मींस आपके पास यहाँ पे एक ही ऑपरेंड या वेरिएबल हो सकता है या रजिस्टर होगा और यहाँ पे आपके पास INC का ऑप कोड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने सपोज के AX की वैल्यू आपको गिवन है 20 और आपने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने इंक्रीमेंट करनी है AX की वैल्यू बाय वन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज करता हूँ मैं एमुलेटर। एमुलेटर में हम यहाँ पे सबसे पहले जो है AX में वैल्यू स्टोर करा लेते हैं 20 और आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। तो देखिए इसका यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, INC स्पेस रजिस्टर या वेरिएबल का नाम आएगा। हमारे पास यहाँ पे फिलहाल रजिस्टर है तो मैं INC लिखूंगा और यहाँ पे रजिस्टर का नाम लिखूंगा। ये मेरे पास इसका कोड होगा तो मैं इसको इम्युलेट करूंगा। यहाँ पे सिंगल स्टेप करके चेक करें वैल्यू 14 वैल्यू आपके पास स्टोर हुई हुई है 20 की। तो ये 20 जो है आपके पास, इसको आप 16 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 14 जो है ये वैल्यू आती है यानी कि हेक्साडेसिमल में। आगे आप इसकी वैल्यू को जो है इंक्रीमेंट करें तो ये 15 हो रही है। तो ये हमने यहाँ पे इसका कोड देखा। आगे हम जो है देखते हैं यहाँ पे एक और आपके पास जो है प्रोग्राम है। सपोज AX की वैल्यू आपके पास 10 है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट AX वैल्यू 5 टाइम्स। अब हमारे पास 5 टाइम्स इंक्रीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये AX में हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। 5 टाइम्स जो है हम वन लाइन में जो है यहाँ पे नहीं कर सकते। इस तरह अगर आपके पास किसी के माइंड में आ रहा है कि ये आप वन लाइन में जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं तो ये देखिए आप इसको इमुलेट करके देख लें। यहाँ पे इमुलेट किया तो ये आपके पास एरर आ गया। तो ये आपके पास क्या है, सिंटेक्स एरर है तो आप ये नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, INC AX वन टाइम इंक्रीमेंट किया, सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट किया, थर्ड टाइम इंक्रीमेंट किया, फोर्थ टाइम आपके पास इंक्रीमेंट किया एंड देन फिफ्थ टाइम। तो इसको आप इमुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास 5 टाइम इंक्रीमेंट हो रही है नहीं वैल्यू। ये आपके पास 10 वैल्यू थी, 11, 12, 13, 14 एंड 15, यानी कि F जो है आपके पास 15 वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये आपके पास प्रोग्राम हमने जो है बनाया। आगे आपके पास है DEC इंस्ट्रक्शन। अब देखें DEC इंस्ट्रक्शन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपके पास जो INC की इंस्ट्रक्शन है इसमें आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है वन का। अगर हमने एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना तो हम यूज़ करते हैं ऐड की इंस्ट्रक्शन, जो कि हम इसी जो है ना वीडियो लेक्चर के एंड में देखेंगे। अब DEC की इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास, DEC स्टैंड्स फॉर डिक्रीमेंट और ये आपके पास डिक्रीमेंट करता है प्रोवाइडेड बाइट या वर्ड को बाय वन। हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगर मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट करना हो, एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक बाइट जो है वन बाइट का जो है रजिस्टर है जिसमें BLS में आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 55, तो मैंने इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है तो मैं डिक्रीमेंट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा BL। ये क्या करेगा, ऑटो डिक्रीमेंट करेगा। ये देखिए मेरे पास 37 यानी कि 55 की वैल्यू मूव हो गई और ये डिक्रीमेंट हुआ तो ये 36 हो गया। सिंटेक्स इसका उसी तरह जिस तरह INC का हमने देख लिया, हमने प्रोग्राम भी देख लिया एक छोटा सा कि DEC के बाद रजिस्टर या वेरिएबल आता ही है। हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट करके एक वैल्यू भी देख ली। ये देखें इसी तरह आप CX जो है आपके पास 20 है, इसकी आपने वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं, ये आपके पास वर्ड का रजिस्टर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू जो है CX में आपके पास गिवन है वो आप वैल्यू स्टोर जो है कर लें। 20 वैल्यू गिवन है आपके पास और आप यहाँ पे डिक्रीमेंट CX, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है ये देखिए सिंगल स्टेप में किया ये 14 आ गई, इसको डिक्रीमेंट किया ये 13 हो गई। आगे हमारे पास है NEG की इंस्ट्रक्शन। NEG की इंस्ट्रक्शन निगेट करने के लिए यूज होती है।
निगेट मतलब ये अगर आपने टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आप ये एनईजी की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। आपके पास आईएनसी की इंस्ट्रक्शन, डीईसी की इंस्ट्रक्शन भी जो है आपके पास वन ऑपरेंड है, और आपके पास एनईजी की इंस्ट्रक्शन भी वन ऑपरेंड है। एनईजी स्पेस और यहाँ पे रजिस्टर या वेरिएबल का नाम आता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमने जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फाइंड करना हो टूस कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे कंप्यूट करता है। अगर आपके पास यहाँ पे टूस कम्प्लीमेंट -235 को हमने फाइंड करना हो, तो हमारे पास -235 की बाइनरी क्या है, tetra 1 tetra 1 triple 0 1 0 1 0 1, ये आपके पास जो है -235 की जो है ना बाइनरी लिखती है। ये वैल्यू जो मेरे पास लिखी हुई है हेक्स में क्या है, FF15। अगर मैं इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मैं जो है फर्स्ट वन तक मैंने एज इट इज कॉपी करना है। फर्स्ट वन मुझे पहले बिट पे मिल गया, और आगे मैंने क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये मेरे पास एक मेथड है टूस कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करने के लिए। तो आगे से मैंने आप देखें यहाँ पे हर जो बिट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। जीरो का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो वन, वन का आपके पास जीरो, जीरो का वन, एंड सो ऑन। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास टूस का जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि एनईजी की इंस्ट्रक्शन जो है, अगर आपके पास कोई नंबर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास पॉजिटिव में है कोई नंबर है तो आपने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तब भी आप एनईजी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास अब ये नंबर क्या आ गया, 0 0 E और ये B, हम इसको देख सकते हैं आपके पास। और कोई और एग्जाम्पल, जिस तरह आपके पास ये डीएक्स में वैल्यू है -235 और हमने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ये आपके पास -235 वैल्यू है आपके डीएक्स रजिस्टर में, इसका आपने जो है एनईजी लिखा, यहाँ पे लिखा डीएक्स। तो आपके पास यहाँ पे इसको आप इम्यूलेट करें, यहाँ पे देखिए सिंगल स्टेप, तो ये FF15 वैल्यू मूव हो गई। ये वही वैल्यू है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था FF15। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम सिंगल स्टेप, तो आपके पास 00 EB आ रहा है, नीचे टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। तो ये वही वैल्यू जो मैं आपको यहाँ पे मैंने जो है बता दी है। आगे आपके पास है ऐड की इंस्ट्रक्शन। ऐड जो है हमारे पास एडिशन के लिए यूज होता है, इट इज यूज टू ऐड द प्रोवाइडेड बाइट या टू बाइट या वर्ड टू वर्ड के लिए आपके पास ये यूज होता है। इसका सिंटेक्स क्या है, ये आपके पास टू ऑपरेंड बेस्ड है। ऊपर हमने जितनी इंस्ट्रक्शन देखी INC, DEC और NEG, ये वन ऑपरेंड बेस्ड थी, अब आपके पास टू ऑपरेंड बेस्ड आ गई है। ये हमारे पास मैंने आपको इंस्ट्रक्शन जो है टेम्पलेट्स बताए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली देख ले, इसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट बताया था और इंस्ट्रक्शन सेट 886 माइक्रोप्रोसेसर में बताया था। अब आपके पास इसका ऐड का कोई ऑपकोड होगा, ये ऑपरेशनल कोड मशीन कोड होगा, और ये आपके पास डेस्टिनेशन या सोर्स आपके, ये ऑपरेंड वन है आपका, ये ऑपरेंड टू है, ये आपके पास, इसके लिए आप रजिस्टर यूज कर सकते हैं या मेमोरी वेरिएबल, इसके लिए भी आप रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सेम टाइम पे मेमोरी वेरिएबल्स को जो है यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप एड्रेस साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं कर सकते 886 असेंबली लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने दो नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग रजिस्टर्स, और आपके पास वैल्यू गिवन है AX में 44 और BX में 12। अगर आपने ये कोड करना हो तो देखिए आपने यहाँ पे AX में वैल्यू जो है मूव कर देनी 44, और यहाँ पे आपने BX में वैल्यू मूव कर देनी है 12, वैल्यू जो है आपने BX में मूव कर देनी है। ऐड लिखा आपने EX, BX, तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, EX = AX + BX, यानी कि आपके पास जो आपका ये सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन होता है, ये सोर्स को डेस्टिनेशन में ऐड करेगी और वापस आपका जो है डेस्टिनेशन है उसी में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे कैसे होगा, AX = 44 + 12, तो आपके पास ये एक्चुअली 44 की क्या होगी, यहाँ पे हेक्स वैल्यू होगी, और इसी तरह 12 की आपकी हेक्स वैल्यू होगी, ये दोनों ऐड होके आपके पास एक हेक्स वैल्यू ही कैलकुलेट हो रही होगी। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये कन्वर्टर है, बेशक हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, तो हमारे पास 44 जो है ये आपके पास 2C होता है,
यहाँ पे आपके पास क्या होगा 2c और 12 जो है ये भी आप देख सकते हैं, ये आपके आपको पता है यहाँ पे 12 जो है ये आपके पास 0c होगा। ये आपके पास दोनों ऐड होंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो हम यहाँ पे इमुलेट करके चेक कर सकते हैं, सिंगल स्टेप किया ये वैल्यू 2c मूव होगी, ये देखें वही वैल्यू है जो कि हमने अभी कन्वर्टर से जो है ना कैलकुलेट की। फिर आगे ये 0c है, ये वही वैल्यू जो कन्वर्टर से हमने चेक की है, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 38 आ रहा है। ये 38 जो है आपके पास क्या है 56 जो है डेसिमल में, तो 44 और 12 को ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 56 आता है डेसिमल में। तो ये देखें वैल्यू यहाँ पे 56 आ रही है जो कि आपको हेक्साडेसिमल में रजिस्टर में शो हो रही है। तो हम आगे मूव करते हैं, यहाँ आगे हमारे पास के राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स एंड स्टोर द फाइनल रिजल्ट इन DEX रजिस्टर। सपोज आपके पास EX44 है और DEX12 है, तो हमने यही प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने जो फाइनल रिजल्ट है वो किसी और रजिस्टर में स्टोर करना है। फिलहाल रिजल्ट हमारा जो है EX रजिस्टर में स्टोर हुआ है, वो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो DEX रजिस्टर में स्टोर हो। हमने यहाँ पे लिखनी है मूव की इंस्ट्रक्शन मूव, और आपने यहाँ पे क्या करना है डेस्टिनेशन आपका रजिस्टर DEX बन जाएगा और आपका सोर्स क्या होगा EX रजिस्टर। ये क्या करेगा आपका जो है डेटा जो है कॉपी कर देगा सोर्स आपका, यानी कि EX की वैल्यू जो है कॉपी हो जाएगी DEX में, यानी कि आपके पास DEX में क्या आ जाएगा आपके पास 38 आ जाएगा और आपके पास यानी कि 56 जो है डेसिमल में और 38 जो है आपके पास आ जाएगा हेक्स में। देखिए हमारे पास ये वैल्यू जो है आपके DEX में कॉपी हो जाएगी, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिमुलेट करके सिंगल स्टेप करके आप चेक कर लें। ये 38 जो है आपके पास AL में पड़ा हुआ और ये अब आपके पास जो है DEX के जो है आपके पास रजिस्टर के लो में DL में कॉपी हो गया। आगे हमारे पास है राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन RS, जो है आपके पास रिजल्ट वेरिएबल में हमने क्या करना है इसका रिजल्ट जो है स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है कि ये दो हमारे पास नंबर है और रिजल्ट जो है हमने एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ऊपर हमने एक रिजल्ट जो है डेटा रजिस्टर में स्टोर किया था उसके कॉपी किया था, हमारा जो है रिजल्ट पड़ा हुआ था EX रजिस्टर में। अब हमने ये काम करना है, मैं यहाँ पे जो है एक न्यू फाइल जो है उसमें ये कोड करता हूँ। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास इस तरह है, वो EX में आपके पास 44 है, EX में आपके पास जो है वैल्यू 12 है। अब ये वैल्यूज हम यूजर से भी ले सकते हैं, आगे जाके हम देखेंगे यूजर से हमने कैसे वैल्यूज देनी है। अब ये हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं और हमने इन दोनों को ऐड करना है और रिजल्ट जो है एक रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर कराना है। सबसे पहले मैं वो वेरिएबल बना लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपने डेटा टाइप इसकी कैसे चूज करनी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 byte के आप रजिस्टर यूज करें, यानी कि आपके 16 bits के रजिस्टर यूज करें, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे डिफाइंड वर्ड होगी और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। इट मीन्स के 0 आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब आप इन दोनों को ऐड करें और आप जो है फाइनल रिजल्ट जो है रिजल्ट के वेरिएबल में मूव करवा दें। देखें यहाँ पे आपके पास साथ हम वेरिएबल भी ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास इनिशियलाइज हुई भी है वेरिएबल में टेट्रा 0। ये आपके पास जो है वैल्यू जो है BX में है, ये दोनों को आपने ऐड किया तो 38 आ गया और फिर आपने क्या किया इसको रिजल्ट में कॉपी कर दिया रिजल्ट के वेरिएबल में। ये आपके पास इनिशियलाइज जो है के टाइम पे जो वैल्यू है ये वो आपके पास है। अगर आपने यहाँ पे देखना हो कि ये वैल्यू जो है RS में मूव हुई है नहीं, तो आपको इसको प्रिंट करवा के देखना पड़ेगा, या आप इसकी वैल्यू अगेन किसी और रजिस्टर में मूव करवा दें तो आपको पता लग जाएगा इसमें वैल्यू मूव हुई है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं कि हमने राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड फर्स्ट 5 नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स एंड स्टोर द फाइनल रिजल्ट इन DI रजिस्टर। हमने यहाँ पे पहले 5 नंबर्स को ऐड करना है और फाइनल रिजल्ट जो है DI रजिस्टर, हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है ये 16 bit का रजिस्टर होता है, हमने इसमें स्टोर करना है। अब देखें जो मेरा रिजल्ट स्टोर होना है वो डेस्टिनेशन इंडेक्स में होना है, लिहाजा मेरे पास जो है
रजिस्टर जो है मुझे 2 byte के यूज करने चाहिए, और यहाँ पे हम जो है कई तरीकों से ये कोड कर सकते हैं। एक आपके पास जो है ये मेथड है जो मैं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ex में आपने फर्स्ट नंबर स्टोर कर लिया, dx में आपने सेकंड नंबर स्टोर कर लिया, dx में आपने थर्ड नंबर स्टोर कर लिया, dx में आपने फोर्थ एंड लास्ट आपके पास देखें अब जो जनरल पर्पज रजिस्टर थे 4 आपने सारे यूज कर लिए। अब आपके पास क्या बचा, सोर्स इंडेक्स बचा और डेस्टिनेशन इंडेक्स बचा, तो आप यहाँ पे di यूज कर लें। di में फाइनल रिजल्ट आना है, हम इन सारों को ऐड करवाते जाएंगे और रिजल्ट एट द एंड अपना di रजिस्टर में मूव कर देंगे। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना रिजल्ट हर स्टेप पे आप di में स्टोर करके रखें। तो मैं जो है ऐसे कर रहा हूँ कि ऐड करता हूँ मैं ax और bx को, ax इज इक्वल टू ax प्लस bx। अब इसमें मेरे पास क्या है, ax में आपके पास वैल्यू पड़ी है 1 और इसमें वैल्यू पड़ी है आपके पास 2, तो ये दोनों जो है आपके पास ऐड होंगे, ax में वैल्यू 3 आ गई। ऐड जो है मैं ax को आगे किससे करवाऊंगा, cx के साथ। मेरे पास यहाँ पे ax इज इक्वल टू ax प्लस cx होगा, और मेरे पास यहाँ पे देखें ax में वैल्यू आपके पास क्या पड़ी हुई है, लास्ट अपडेटेड वैल्यू पड़ी होगी जो कि 3 है, अब 1 नहीं पड़ी होगी। 3 में अब आपके पास क्या होगा, cx की वैल्यू ऐड होगी जो कि 3 है, तो ax में अब वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, अब देखें इसी ax की वैल्यू को मैं क्या ऐड करवाता bx के साथ। मेरे पास यहाँ पे ax में 6 प्लस 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि 0 ah आ जाएगा। फिर यही वैल्यू जो है ax की मैं ऐड करवाऊंगा, यहाँ पे मैं di कर देता हूँ क्योंकि मेरे डेस्टिनेशन इंडेक्स में अपना स्टोर करना है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मुझे di में चाहिए। अब मैं इसकी वैल्यू ax के साथ ऐड करवा देता हूँ, अब क्या होगा di इज इक्वल टू di प्लस ax। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, di में आपके पास वैल्यू क्या पड़ी है 5, और आपके पास यहाँ क्या वैल्यू पड़ी है 10, इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा di इज इक्वल टू 0f और 3 जो है आपके पास di में आ गया। इसको आप इम्युलेट करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास ये सारी वैल्यूज आ रही है, ये di में आपके पास वैल्यू 5 मूव कर दी हमने, और ये आपके पास जनरल पर्पज रजिस्टर है 1, 2, 3, 4 इसमें आपके पास वैल्यू स्टोर हो गई और यहाँ पे ये 5 आ गए। तो हम सिंगल स्टेप करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आपकी ax और bx ऐड होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऐड हुआ तो आपके पास क्या आ गया 3, हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था 3 वैल्यू आ रही थी। देन आगे आपने ऐड किया तो ax की वैल्यू को dx के साथ, हमने यहाँ पे ax की वैल्यू को cx के साथ ऐड करवाया तो 6 वैल्यू आ रही थी, अब देखें ये आपके पास 6 आ रही है। आगे आपके पास ये जो है ना इंस्ट्रक्शन चलेगी, ऐड होगा ax dx में, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है 10 आ गया, यानी कि a आ गया, तो हमने भी यहाँ पे यही कैलकुलेट किया था, ये आपके पास जो है 10 वैल्यू जो है इसकी आ रही थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। देन लास्ट पे हमने क्या di को ax के साथ ऐड करवाया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, f आ गया। ठीक है, तो 000f ये वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे, तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और करते हैं sub की इंस्ट्रक्शन। ऐड की इंस्ट्रक्शन की तरह sub की इंस्ट्रक्शन भी आपके पास जो है बाइट को बाइट में से सबट्रैक्ट करने के लिए और वर्ड को वर्ड में सबट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है। ये भी आपके पास 2 ऑपरेंड बेस है, इसमें एक डेस्टिनेशन है और एक सोर्स है आपका, ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, और सबका आपका जो है यहाँ पे ऑपकोड होगा। आपने इसी तरह अगर 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है और वो 2 नंबर्स आपके जो है सी एक्स और डी एक्स, यानी कि रजिस्टर्स गिवन, इन दोनों को आपने सबट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इसी सिंटेक्स को देखते हुए यहाँ पे हमारे पास मैं न्यू बना रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले मैं सी एक्स और डी एक्स में वो वैल्यू इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सी एक्स में मेरे पास 96 है और डी एक्स में मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 50। अब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है 2 नंबर्स की यूजिंग रजिस्टर्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट
CX DX. अब देखें यहाँ पे रिजल्ट उसने बताया नहीं है कि आप किस रजिस्टर में फाइनल स्टोर करें, तो इट्स अप टू यू कि आप CX में रिजल्ट इन दोनों नंबर्स का जो है ना स्टोर करना चाह रहे हैं या DX में. लेकिन आपके पास देखें CX की वैल्यू ग्रेटर है DX से. अगर आप यहाँ पे CX माइनस DX करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर जो है पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, और अगर आप DX माइनस CX करेंगे तो नेगेटिव में आएगा. यहाँ पे हमारे पास हम कर रहे हैं CX जो है DX में सबट्रैक्ट. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, CX इज इक्वल टू CX माइनस DX. तो आपके पास यहाँ पे CX की वैल्यू क्या है 96, आपके पास 15 है, तो ये आपके पास रिजल्ट जो आएगा ये आप यहाँ पे चेक कर लेंगे. देखें ये 96 वैल्यू जो है CX 60 मूव हुई है, यहाँ पे आप देखें ये वैल्यू 96 मूव हो गई, और ये आपके पास जो है F यानी कि 5, और आगे आप देखें यहाँ पे वैल्यू 51 आ गई. ये आपके पास वैल्यू जो है आपके पास CX में 51 में आ रही है ये X में. आप यही वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 51 है हेक्स में, और ये आपके पास जो है डेसिमल में क्या है 81 है. तो ये आपके पास 81 वैल्यू आ रही है डेसिमल में. इसी तरह आप जो है यहाँ पे दो नंबर्स को आपने सबट्रैक्ट करना और फाइनल रिजल्ट एक डीएल रजिस्टर में स्टोर करना हो, तो ये आपने इसी तरह करना है जिस तरह अभी ऊपर मैंने आपको करवाया ऐड की इंस्ट्रक्शन वाला. सेम टू सेम आपके पास वही है, लेकिन आपने यहाँ पे सब की इंस्ट्रक्शन यूज करनी है. अब आपके पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं मूव इंस्ट्रक्शन के, इन्हें कहते हैं रूल्स फॉर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. पहला रूल ये है कि रजिस्टर टू रजिस्टर. अब हमारे पास रजिस्टर टू रजिस्टर जो है हमारे पास यहाँ पे डेटा मूवमेंट ऑफ सेम साइज जो है ये अलाउड है. यानी कि हमारे पास रजिस्टर डेस्टिनेशन भी हमारा एक रजिस्टर होगा, सोर्स भी हमारा एक रजिस्टर होगा. एग्जाम्पल देखें यहाँ पे मेरे पास मूव लिखा आपने, यहाँ पे आपके पास क्या है ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है ऑफ सेम साइज, ये भी 2 byte का है, ये भी आपके पास 2 byte का. तो सेम साइज की डेटा मूवमेंट अलाउ है. अब आप एक और एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास क्या है 8 bit का है, और ये आपके पास क्या है 8 bit का रजिस्टर है. तो डेटा मूवमेंट ऑफ सेम साइज जो है अलाउड है. अगर आप ऐसा करते हैं मूव, यहाँ पे करते हैं सी एच और यहाँ पे आप करते हैं डी एक्स, तो अब ये जो है आपके पास क्या है नॉट अलाउड. तो क्यों नॉट अलाउड है ये देखिए, ये आपके पास 8 bit का और ये 16 bit है. तो रजिस्टर टू रजिस्टर ही आप कर रहे हैं लेकिन सेम साइज का नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा. आगे आपके पास रूल टू है सेगमेंट रजिस्टर टू रजिस्टर. तो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर ऑफ सेम साइज जो है ये अलाउड. अगर हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है आपका एक रजिस्टर हो और सोर्स जो है आपका एक सेगमेंट रजिस्टर हो, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन जो है हमारा एक रजिस्टर है और सोर्स हमारा क्या है एक सेगमेंट रजिस्टर है. तो हमने सेगमेंट रजिस्टर देखे, कोड सेगमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है. अब देखें यहाँ पे मैं कोड सेगमेंट की वैल्यू क्या है जो है एक रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ सेम साइज के, तो ये आपके पास अलाउड है. ये भी देखें डी एक्स है, ये ई एस है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है सेम साइज के हैं. ये आपके पास बी एक्स है और ये क्या है डी एस है, ये भी अलाउड है. ये आपके पास क्या है एस आई है, ये भी 16 bit का, ये भी 16 bit का अलाउड है. लेकिन आपके पास ये अलाउड नहीं है जिस तरह ए एल है कॉमा ई एस, तो आपके पास ये क्या है रजिस्टर 8 bit का, ये आपके पास 16 bit का, तो यहाँ पे इनवैलिड है ये. आगे थर्ड रूल है आपका वेरिएबल टू रजिस्टर. आप वेरिएबल जो है ना आपके पास एक मेमोरी लोकेशन होती है, वेरिएबल टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर इज अलाउड ऑफ सेम साइज. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या करना मूव करना एल रजिस्टर में वैल्यू मूव करनी हो एक वेरिएबल की, तो ये आपके पास मूव हो सकती है तब जब आपके पास क्या है एल आपके पास 8 bit का है, तो एज का वेरिएबल भी क्या हो वो भी 8 bit का आपके पास हो, तभी डेटा मूवमेंट अलाउड होगी. आगे आपके पास है मूव बी एल कॉमा नम वन. तो अगर आपके पास जो है बी एल 8 bit का है और आपके पास नम वन 8 bit का, तो डेटा मूवमेंट हो जाएगी, अदरवाइज एरर आएगा. आगे है सी एच रजिस्टर. सी एच रजिस्टर आपके पास जो है 8 bit का है अगर वो, और नम वन भी 8 bit का तब होगी. आगे आपके पास है मूव ए एक्स कॉमा नम. तो आपके पास अगर ए एक्स जो है 16 bit का और नम जो है 8 bit का, तो ये इनवैलिड है.
अब आपके पास ये देखिए यहाँ पे ये जो सी एच रजिस्टर है ये अगर 8 बिट का है और नम टू जो है आपके पास ये भी 8 बिट का है तो आपके पास ये डेटा मूवमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम डिक्लेयर करते हैं डेटा सेगमेंट में। एक्स जो है आपके पास रजिस्टर अगर 16 बिट का है और नम भी जो है आपके पास ये अगर 8 बिट का होगा तो आपके पास ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपके पास एक्स और नम जो है दोनों 16 बिट्स के होंगे तो डेटा मूवमेंट आपकी हो जाएगी। आगे आपके पास कॉन्स्टेंट टू रजिस्टर यानी कि एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैं रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास 5 एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं एक रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ। तो आपके पास कॉन्स्टेंट टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर इज अलाउड इन द गिवन जो है डेटा रेंज। अगर आपके पास यहाँ पे मैं ऐसी वैल्यू जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि उस रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू से जो है ना आउट ऑफ जो है रेंज है तो आपके पास वो वैल्यूज ऐसी बातें नहीं स्टोर हो सकती। तो आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर अलाउड है इन द गिवन रेंज। तुम्हारे पास यहाँ पे बी एच में मैं यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट वैल्यू मूव कर रहा हूँ ये अलाउड है, और मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ई एल में कॉन्स्टेंट वैल्यू ये भी अलाउड है। आगे आपका फिफ्थ रूल है रजिस्टर टू सेगमेंट रजिस्टर। देखिए रजिस्टर टू सेगमेंट रजिस्टर डेटा ट्रांसफर आपके पास जो है डेटा ट्रांसफर ऑफ सेम साइज इज अलाउड। हेयर आपके पास अगर डेस्टिनेशन जो है ये एक सेगमेंट रजिस्टर हो और सोर्स आपका क्या हो एक रजिस्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें आपके पहले हमने देखा यहाँ पे ऊपर कि आपका जो यहाँ पे डेस्टिनेशन था वो एक रजिस्टर था और सोर्स आपका एक सेगमेंट रजिस्टर था। अब आपके पास ये है कि जो आपका डेस्टिनेशन है वो एक सेगमेंट रजिस्टर है। तो आपके पास यहाँ पे अगर ये सेम साइज के हैं जिस तरह डी एक्स है यहाँ पे ई एस है तो ये वैलिड है। ये भी आपके पास डी एस है, ये भी 16 बिट है, ये भी 16 बिट है, वैलिड है, ये भी आपके पास वैलिड है। वेरिएबल टू वेरिएबल हमारे पास जो है डेटा मूवमेंट इज नॉट अलाउड इन असेंबली। रीजन जो है मैं बता चुका हूँ क्योंकि हमारे पास सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है हम मेमोरी वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस तरह मैंने मूव नम वन और नम टू किया हुआ इवन तो हम दोनों का साइज सेम है लेकिन हमारे पास ये वेरिएबल टू वेरिएबल डेटा मूवमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ पे हम वैलिड तब होगा जब यहाँ में इनमें से एक जो है आपके पास क्या होगा एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर भी वो जो कि सेम साइज का हो। इस तरह नम वन है और ए एक्स है, नम वन भी 16 बिट का हो, ए एक्स आपके पास 16 बिट का होता है तो ये डेटा मूवमेंट हो जाएगी। आगे है रजिस्टर टू कॉन्स्टेंट यानी कि मैं एक रजिस्टर की वैल्यू मूव कर रहा हूँ एक कॉन्स्टेंट पे तो ये इनवैलिड है। हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपके पास अगर 7 इज इक्वल टू ए एक्स करूंगा तो ये आपके पास क्या है इनवैलिड है। सेगमेंट रजिस्टर टू सेगमेंट रजिस्टर जो है आपके पास डेटा मूवमेंट नहीं अलाउड। एग्जाम्पल जिस तरह मूव ई एस कॉमा डी एस करना है तो ये भी आपके पास नहीं अलाउड। कॉन्स्टेंट टू सेगमेंट रजिस्टर करना हो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने एक सेगमेंट रजिस्टर में मूव करनी हो ये भी अलाउड नहीं है। और अगर हमारे पास हमने मूव करनी है एक सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू कॉन्स्टेंट में जिस तरह ये है आपके पास फॉर एग्जाम्पल ई एस जो है इसकी वैल्यू मैं मूव कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट में ये भी आपके पास क्या इनवैलिड है बिकॉज डेस्टिनेशन कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट। आगे आपके पास इन प्रोग्राम वी कैनॉट एक्सेस आई पी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वी कैनॉट रीड एंड राइट फ्रॉम आई पी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। एग्जाम्पल आपके पास मूव आई पी में मैं वैल्यू कर रहा हूँ ई एक्स की तो आई पी जो है वो भी 16 बिट का है, ई एक्स भी 16 बिट का है, बट हम प्रोग्राम में ना तो इससे रीड कर सकते हैं ना इसमें कोई वैल्यू। ये देखें ये रीड हो रही है और यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ तो ये हम राइट भी नहीं कर सकते ना इसे रीड कर सकते हैं। तो लास्ट रूल है हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर टू वेरिएबल। सेगमेंट रजिस्टर की जो है ना वैल्यू मैं वेरिएबल में डेटा आपके पास जो है ना सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू एक वेरिएबल में मूव हो जाएगी अगर वो सेम साइज का है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल ई एस जो है आपके पास क्या है एक सेगमेंट रजिस्टर और ये आपके पास एक वेरिएबल है, नम वन जो है वेरिएबल है, ई एस जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट है, सेम साइज का होगा तो यहाँ पे आपके पास डेटा मूवमेंट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।